खुश आमदीद नाज़रीन सामाईन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में बर्फ़ यानी जमा हुआ पानी, बर्फ़ कोई देखता है जिसको हम इंग्लिश में आइस कहते हैं, तो इसकी क्या ताबीर है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। साहिब ख्वाब अपने ख्वाब में देखता है कि वो बर्फ़ खाता है, जमी हुई बर्फ़ खाता है, तो ये खैर की निशानी है, रिस्क मिलने की निशानी है, रोज़ी खूब फराख होने की निशानी है, यानी खूब रोज़ी मिलने की तरफ इसका इशारा है। या ये देखता है कि बर्फ़ अपने घर ले जा रहा है, वो बर्फ़ जो साफ़ सुथरी हो, जिसके अंदर गंदगी वगैरह ना हो, कोई मटियाली चीज़ ना हो, साफ़ सुथरी बर्फ़ है, वो अपने घर ले जा रहा है, तो इसकी निशानी यह है कि उस कदर माल जमा करेगा, जितनी बर्फ़ की देखता है उसको कीमत का ये माल जमा करेगा। साहिब ताबीर कहते हैं, अगर कोई शख्स गर्मियों के मौसम में पाक और साफ़ बर्फ़ देखता है, तो ये माल हलाल हासिल होने की तरफ इशारा है। या मैली कुचैली तल्ख गंदी बर्फ़ देखता है, तो ये माल हराम हासिल होने की तरफ इशारा है। साहिब ताबीर कहते हैं, ख्वाब में पाक और साफ बर्फ़ सर्दियों के मौसम में देखता है, बशर्त ये कि पाक और साफ़ हो, तो ये भी खैर की निशानी है, खुशी मिलने की निशानी है, खूब ख्वाहिश पूरी होने की निशानी है, रिस्क मिलने की निशानी है। साहिब ताबीर कहते हैं, अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में बर्फ़ देखता है, ऐसे मुल्क में बर्फ़ देखता है जहाँ पाई जाती है, यानी सर्द मुल्कों में बर्फ़ देखता है, तो ये खैर और मनफियत की निशानी है, खैर की तरफ इशारा है, खुशी मिलने की तरफ इशारा है। या बर्फ़ को गर्म मुल्कों में देखता है, यानी ऐसे मुल्कों में देखता है जहाँ बर्फ़ नहीं पाई जाती है और बहुत गर्मी होती है, तो ये खैर की तरफ इशारा नहीं है, मुश्किल की तरफ इसकी निशानी है। साहिब ताबीर कहते हैं, बर्फ़ को ख्वाब में देखना 6 वजह पर है, माल, फराख रोज़ी, जिंदगानी, कहत व तंगी, गम, नर्ख अर्ज़ा। देखिए नाज़रीन, आखिर में हम इसके खुलासे की बात करें तो बर्फ़ को ख्वाब में देखना पाक और साफ, पाकीज़ा बर्फ़ को ख्वाब में देखना और ऐसे मुल्कों में देखना जहाँ ये पाई जाती है, तो ये खैर की निशानी है, रोज़ी फराख होने की, रिस्क मिलने की, खुशी मिलने की, काम पूरा होने की तरफ इसका इशारा है, खूब माल हासिल होने, मनफियत पाने की तरफ इशारा है। और ये देखता है कि बर्फ़ गंदी है, मैली कुचैली है, मटियाली है, या ऐसे मुल्कों में देखता है जहाँ बर्फ़ नहीं पाई जाती, खूब गर्मी होती है, तो ये खैर की निशानी नहीं है, गम की तरफ इशारा है, मुश्किल आने की तरफ इशारा है। इसी तरह की दुआ करें, सदका निकाले, अल्लाह सुबहाना व ताला बड़ा मुश्किलों को टालने वाला, बड़ा मुश्किलों को हल फरमाने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।